हेलो बच्चों, हमने कल तक पढ़ा था महादेवी वर्मा की कविता मनीर भरी दुख की बदली, और कल ही हमारी महादेवी की जो कोर्स में कविताएं थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने एक थोड़े समय 3 सालों के लिए हालावाद नाम से एक वाद चलाया था। ज़्यादा नहीं चल पाया था, फेल हो गया था वो, लेकिन उनकी मधुशाला मधुबाला ऐसी गूंज और ऐसी धूम मची उसकी कि आज भी बहुत लिखते हैं लोग। तो हरिवंश राय बच्चन ने एक हालावाद चलाया, हालावाद दिया हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को। और तो हम पहले हरिवंश राय बच्चन का थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे, वही हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो अब हम पहले इनका पढ़ते हैं परिचय। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 2001 में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयाग में हुआ तथा उन्होंने अपनी शिक्षा प्रयाग तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राप्त की। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। कुछ अरसे तक वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबद्ध रहे, जुड़े हुए रहे। 1955 ईस्वी में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर दिल्ली चले गए। बच्चन की कविता के साहित्यिक महत्व के बारे में अनेक मत हो सकते हैं और हैं भी, किंतु बच्चन के काव्य की विलक्षणा लोकप्रियता को सभी स्वीकार करते हैं। वे हिंदी के सबसे लोकप्रिय कवियों में रहे हैं। इसका कारण यह है कि बच्चन ने अपनी कविता के लिए तब नई जमीन तलाश की जब पाठक छायावाद की अतीन्द्रिय और अतिव्यक्तिक सूक्ष्मता, उसकी लक्षणात्मक अभिव्यंजना शैली तथा उसके अतिशय कोसों कुमार्य और माधुर्य से उकता रहे थे। किसी भी काल में जब अति होती है तब क्या है, पाठक, साहित्य को पढ़ने वाला पाठक भी उकता जाता है, बोर हो जाता है और फिर नए की कामना करने लगता है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन पूजनीय रहे, उनकी कविताएं भी पूजनीय रही, उनकी कविताएं श्रेष्ठ रही और उनका साहित्य में एक तरह से नाम अमर हुआ, क्योंकि उन्होंने जो छायावाद में चल रहा था सब कुछ एक वायवीय, उससे निकाल करके लोगों को एक धरातल पर लेकर आए और लोगों को वो धरातल बड़ा पसंद आया, इसलिए है बच्चन पूजे गए। आगे हम फिर पढ़ते हैं अपना जो उनका परिचय है वो। बच्चन ने 1935 से 1940 ईस्वी के बीच व्यापक खिन्नता और अवसाद के दौर में मध्य वर्ग के विक्षुब्ध और वेदनाग्रस्त मन को वाणी दी। उन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा और सर्वग्राह्य गेय शैली में संवेदनशील अभिधा के माध्यम से अपनी बात कही। न तो व्यंजना लाए वो, न ही उन्होंने लक्षणा लाए, अभिधा में सीधी सीधी अपनी बात को कह दी उन्होंने, इसलिए उन लोगों को बड़े पसंद आए। तो हिंदी का काव्य रसिक सहसा चौंक पड़ा। उन्होंने सायास ऐसा किया हो ऐसा नहीं है, वे अनायास ही इस राह पर निकल पड़े। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, स्वाभाविक रूप से उनसे ये हुआ। उन्होंने काव्य सृजन के लिए अनुभूति से प्रेरणा प्राप्त की तथा अनुभूति को ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति देना अपना ध्येय बनाया। बच्चन ने साहस और सत्य के साथ सीधी सादी भाषा और शैली में सहज कल्पनाशीलता और सामान्य बिंबों से सजा संवार कर अपने नए गीत हिंदी में लिखे, जिनकी मस्ती में पूरा हिंदी जगत झूमने लगा। यद्यपि 13 हार उनका प्रथम काव्य संग्रह है, पर 1939 ईस्वी में प्रकाशित मधुशाला से बच्चन का नाम एक गगनभेदी रॉकेट की तरह साहित्य जगत पर छा गया और हिंदी में हालावाद का उन्मेष भी इसी के साथ हुआ। यानी हालावाद आया, जिस तरह से छायावाद हुआ, जिस तरह से प्रगतिवाद, उसके बीच में हालावाद आया, जिसने जीवन की सारी निरस्ता को स्वीकार करते हुए उसके मुंह मोड़ने की बजाय उसका उपयोग करने की, उसकी बुराइयों और कमियों के बावजूद जो कुछ उसमें मधुर और आनंदप्रद है उसे अपनाने की प्रेरणा दी। हर इंसान में है यही, इसीलिए यहाँ पूजनीय हुए, इसीलिए इतने लोकप्रिय हुए कि हर इंसान में मानते हैं हम कि खूब सारी खूबियाँ होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमजोरी भी होती है। तो उन्होंने खूबियाँ तो सभी स्वीकार कर लेते हैं, सभी प्रशंसनीय प्रशंसा करते हैं, प्रशंसनीय होती है वो खूबियाँ, लेकिन जो कमजोरी को स्वीकार कर ले वो वंदनीय है। तो इन्होंने वही काम किया कि इन्होंने नीरसता को स्वीकार किया और नीरसता को फिर मुँह तोड़ कर जवाब दिया, इसलिए इन्होंने यहाँ पर वो पूजे गए। उसकी बुराई और कमियों के बावजूद जो कुछ उसमें मधुर और आनंदप्रद है उसे अपनाने की प्रेरणा दी। वे जीवन के प्रति अनुराग के कवि हैं, उनकी कविताओं में रोमानियत और कसक है। मधुशाला के बाद उनके मधुबाला, मधुकलश काव्य प्रकाशित हुए।
इसके बाद तो निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलयामिनी आदि अनेक काव्य प्रकाशित और लोकप्रिय हुए। आकुल अंतर, हलाहल, प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाचघर बहुत शानदार कविता है बच्चों, वो कभी मिले मौका तो पढ़ना, तुम्हारे कोर्स में थी पहले। बुद्ध और नाचघर उनके अन्य काव्य संग्रह है। उन्होंने 4 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी। हिंदी उन्होंने समीक्षात्मक निबंध भी लिखे और शेक्सपियर के कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया। हिंदी में कवि सम्मेलन परंपरा को सुदृढ़, गरिमापूर्ण, जनप्रिय तथा प्रेरक बनाने में बच्चन जी का असाधारण योगदान है। तो बच्चन जी हैं वो बड़े ही साहित्य में वंदनीय हैं। अब तुम्हारे कोर्स में इनकी 2 कविताएं हैं, एक है अग्निपथ और दूसरी है सोन मच्छरी। अग्निपथ है तो उसको हम पढ़ेंगे। अब अग्निपथ को, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो, घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न धमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ 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 अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बड़ा ही, क्योंकि तुम्हारा भी ये कहते थे ना माइक वाला स्टाइल नहीं है, वरना बड़ी जोश से इस कविता को गाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कर्तव्य पथ कैसा होना है मनुष्य का, उस कर्तव्य पथ को ही उन्होंने अग्निपथ कहा है। अग्निपथ ही है जिंदगी भी, कभी सुख कभी दुख, कभी थपेड़े कभी छांव कभी धूप, तो इस तरह से ये कर्तव्य पथ है। तो यहाँ पर है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कभी कर्तव्य पथ या जीवन पथ पर बढ़ते हुए व्यक्ति को लक्ष्य कर कहता है कि यह आग का रास्ता है, यह कठिन संघर्ष का मार्ग है। भले इस मार्ग पर कई छायादार वृक्ष हो भले खड़े, कई भले ही छायादार घने और बड़े वृक्ष हों, घने हों बड़े, बड़े और घने और छायादार वृक्ष हों, एक पत्र छाह भी, परंतु तुम अपने मार्ग पर बढ़ते हुए इन वृक्षों से थोड़ी भी छाया मत मांगना, क्योंकि क्या है, कर्तव्य पथ है तुम्हारा, मांगोगे तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा थोड़ी होगा, तुम्हें तो हासिल करना है। तो वो कहते हैं तुम्हारे रास्ते में ये सुखरूपी बहुत से बड़े बड़े घने छायादार वृक्ष आएंगे, तुम उनसे एक भी पत्ते की कामना या मांग मत करना, मांग मत बिल्कुल मत मांगना। इन वृक्षों की छाया के नीचे बैठकर आराम मत करना तथा संघर्ष पथ पर बढ़ने में कमजोरी या सहनशीलता मत दिखाना। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, क्योंकि तुम्हारा जिंदगी में है जीना है वो कर्तव्य पथ पर चल करके ही पूरा हो सकता है। आगे कहते हैं वो, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। कभी इसी क्रम में आगे कहते हैं कि हे पथिक, तू इस मार्ग पर चलते हुए कभी भी नहीं थकेगा, कभी भी नहीं थमेगा या रुकेगा, न तू न मुड़ेगा कभी, तू कभी भी इस मार्ग में नहीं मुड़ेगा, यानी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, चल पड़ा तो चल पड़ा कफन बांध कर, कर शपथ, अतएव तू इस दृढ़ निश्चय की शपथ ले, निरंतर आगे बढ़ते रहने की सौगंध ले, वाग्नि पथ है ये, संघर्ष पथ है, कठिन कर्तव्य पथ है, इस पर तू बढ़ता ही चल। आगे फिर कहते हैं, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ 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 अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि कहते हैं कि यह कितना महान दृश्य है, कवि कठिन संघर्ष पथ पर मनुष्य आगे बढ़ रहा है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से कैसे आगे बढ़ रहा है, कि ये दृश्य कितना प्रेरणादायी भी है, क्योंकि कर्तव्य पथ पर आम इंसान नहीं बढ़ सकता है, तो कितना प्रेरणा देता है दूसरे को, प्रेरणादायी पथ है ये, पथ पर अग्रसर व्यक्ति आंसुओं से, अश्रु से, आंसुओं से, स्वेद से, पसीने से, रक्त से, खून से, लथपथ 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 रहता है, पूरी तरह सराबोर हो जाता है, भीग जाता है, अर्थात उसके शरीर पर श्रम निष्ठा के विकार अश्रु स्वेद रक्त कण रूप में उभरने लग जाते हैं, तब वह मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, निरंतर संघर्षरत है एवं आगे की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर है। तो यहाँ पर कवि ने संघर्षशील मनुष्य की बात कही है।
अनुप्रास, मुक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं स्वभावोक्ति अलंकार हैं और भावानुरूप ही पदयोजना हुई है। धन्यवाद बच्चों, बाकी हम कल पढ़ेंगे।